राष्ट्रीय राजमार्ग 343 अंबिकापुर से रामानुगंज बलरामपुर सड़क खस्ताहाल होने से नाराज युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। कई सालों से खस्ताहाल सड़क से परेशान रहवासियों की परेशानी को लेकर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल अंबिकापुर से रामानुगंज राष्ट्रीय मार्ग 343 की सड़क पिछले कई सालों से जर्जर स्थिति में होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें ज्यादातर बाइक सवार लोग मौत के शिकार भी हो रहे हैं। वहीं कार सहित बड़े वाहन चालकों को भी खराब सड़क की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से कई घंटों तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, विगत कई वर्षों से अंबिकापुर से रामानुगंज का जो रोड है उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कल इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अंबिकापुर से जो सीतापुर वाला रोड है उसमें 5 घंटा का चक्का जाम लगातार लगा रहा। इसे परेशानियों को देखते हुए, जन परेशानियों को देखते हुए आज युवा कांग्रेस जमीन पर उतरी है और चक्का जाम करके अपने राष्ट्रीय राजमार्ग से मांग किया है कि जो रोड का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। हम लोगों को आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द काम चालू किया जाएगा, पर यदि काम चालू नहीं होता है, अगर काम चालू नहीं होता है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन के रूप में युवा कांग्रेस में बाध्य होगी। युवा कांग्रेस द्वारा आज रामानुजन रोड एनएच पे जाम किया गया था और उनका जो आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है और थ्रू प्रॉपर चैनल जो सक्षम अधिकारिता है उसको दे दिया जाएगा, आगे कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। थैंक यू। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।